दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रहलाद प्रसाद, जनरल पेशेंट। दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल विहंगम हेल्थ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि चुकंदर तो आप सब लोग खाते हो, लेकिन इसे कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, इसके तरीके क्या हैं, इसे क्या नुकसान हो सकता है, किसे नहीं खाना चाहिए, सारी बातें मैं आज प्रकाश डालूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो के एंड में तक जरूर बने रहेंगे, तभी सारी बात समझ पाएंगे। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉलेज है, चुकंदर के नुकसान भी होते हैं, फ़ायदे भी हैं, लेकिन इसके खाने के तौर तरीके शायद सब लोगों को मालूम नहीं है, जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। दोस्तों नए व्यूअर्स रिक्वेस्ट है, दोस्तों आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों चुकंदर सदियों से एक बहुत ही ऊर्जावान फल है, यह औषधि काम में भी आता है। जिनका प्लेटलेट काउंट डाउन हो जाता है, समझते ना, जिनका प्लेटलेट काउंट डाउन होता है उनमें भी काफ़ी वृद्धि करता है, ताकत देता है, हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, ऊर्जा देता है, ताकत देता है। कैल्शियम D3 और कैल्शियम B12 से ये भरपूर होता है, शरीर में ताकत, जोश, खरोश सब कुछ फायदा करता है। लेकिन अब आइए इसके तौर तरीके क्या है खाने के, लेने के, कब खाएँ कब ना खाएँ। दोस्तों पहला नंबर, दोस्तों इसे खाने का सही समय कौन सा है। दोस्तों नॉर्मली इसे खाना खाने के आधे घंटे के बाद ही एक चुकंदर खा सकते हो, ज़्यादा मत खाना। खाना खाने के आधे घंटे के बाद एक चुकंदर आप खा सकते हो, खूब चबा चबा के खाएँ, हैं ऐसे ना खाएं। चुकंदर खाने का सही तरीका क्या है। दोस्तों चुकंदर को क्या करें, आप जैसे जूस पी सकते हो, इसका जूस निकाल के पी सकते हो, इसमें थोड़ी काली नमक वगैरह, जीरा, भुना हुआ जीरा वगैरह डाल के पी सकते हैं आप। लेकिन इसको बारीक बारीक काट दें और एक एक कतरे को चबा चबा के धीरे धीरे खाएं, ताकि इसमें लार मिक्स होकर जाएगा तो आपको ज़्यादा फायदा करेगा, कोई नुकसान नहीं करेगा, समझ गए। और कभी भी इसको आप चुकंदर रात में ना खाएं, इसको दिन में खाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही हैवी होता है, आपके लीवर को नुकसान कर सकता है और डाइजेशन प्रॉब्लम आ सकती है, गैस अफरा वगैरह आपको पेट में हो सकता है, ठीक है। इसे दिन में ही खाना चाहिए, सही तरीका खाने का समय दिन ही होता है। चुकंदर के फायदे तो आप लोग सब लोग जानते हो, इसे खाने से खून बढ़ता है, हीमोग्लोबिन बढ़ता है, ताकत बढ़ता है, जोश खरोश बढ़ता है, प्लेटलेट काउंट बढ़ाता है, रेड ब्लड में ये आप बहुत ही बढ़िया फायदा करता है, जैसे जिसके शरीर में एनीमिया का रोगी है, खून की कमी है, अंठन है, जकड़न है, नींद नहीं आता है, शरीर में दर्द रहता है, ये सब मतलब कमजोरी भी है, जो बीमारियाँ हैं, जो वीकनेस की बीमारी, इसे खाने से दूर हो जाती है, ठीक है। इसे किसे नहीं खाना चाहिए, दोस्तों नॉर्मली चुकंदर प्रेग्नेंट औरत को खाने से बचना चाहिए, या थोड़ा हल्की फुल्की खा सकती है। किडनी के रोगी, मूत्र रोगी इसे ना खाएं, ठीक है, उन्हें नुकसान हो सकता है। पथरी के रोगी भी इसे ना खाएं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जिनको IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के जो पेशेंट हैं, यानी जिनको बार बार दस्त आना, बार बार मितली आना, चक्कर आना, तेजाब बनना, लैट्रिन कच्चा पक्का पैखाना होना, लैट्रिन समय से न होना, कब्ज होना, यानी जिनको लीवर प्रॉब्लम्स की, डाइजेस्ट सिस्टम की बीमारियां हैं, उन्हें चुकंदर नहीं खाना चाहिए, उन्हें नुकसान हो सकता है, क्योंकि यह बहुत ही हैवी डाइट में आता है, ठीक है। दूसरे नंबर दोस्तों, जिनको सिर में चक्कर की बीमारी है, जिनको मूत्र रोग है, उन्हें भी इसे नहीं लेना चाहिए, ये सब बता दिया। दोस्तों चुकंदर को कभी भी आप एक से ज़्यादा ना खाएं, ज़्यादा खाओगे तो एक कहानी सुने हो ना, अति सर्वत्र वर्जित, अति हमेशा वर्जित है, इसको ज़्यादा खाओगे तो आपको नुकसान हो सकता है, फ़ायदे के बजाय तमाम तरह के आपको हेल्थ संबंधित परेशानियाँ हो सकती है, ठीक है। आपका डाइजेस्ट सिस्टम गड़बड़ा सकता है, लीवर कमज़ोर पड़ सकता है, ये सब ठीक है। और इसके अलावा चुकंदर जो ओल्ड लोग हैं, बूढ़े हैं, उन्हें भी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो उन्हें नुकसान हो सकता है, फ़ायदा के बजाय, ठीक है। तो ये सब सावधानियाँ हैं, बचाएंगे तो आप बच जाएंगे, फ़ायदा भी करेगा, नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो सिस्टम बताया मैं ऐसे आप खाओगे तो आपके और फ़ायदा ही फायदा होगा। यदि आप लोग मेरा वीडियो ये अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।